हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए। हाँ, टाइम हो रहा है अभी का 9। हमारा प्लान तो वैसे ये है कि हम लोग पहले हरिद्वार पहुंचेंगे, रात को लगभग 1 या 2 बजे के आसपास हम लोग हरिद्वार पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करके सुबह 5 बजे वाली आरती लेंगे नहा के, और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। तो हमारी जर्नी बिगिन हो चुकी है और मैं हूँ आज, मेरे साथ है दीपांशु। आप मेरे ज़्यादातर व्लॉग्स में इसको देखेंगे। चलो मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये है दीपांशु, मेरा फ्रेंड, और मेरे ज़्यादातर व्लॉग्स में आपको ये मेरे साथ ही नज़र आएगा, क्योंकि हम लोग पहले भी बहुत ज़्यादा एक साथ घूमते थे। आधा भारत घूम चुके हैं। आधा भारत लगभग, नॉर्थ इंडिया 70% हम दोनों एक साथ ही घूम चुके हैं। हम लोगों ने गाजियाबाद पार कर लिया है बहुत देर बाद, भीड़ ट्रैफिक सब क्रॉस करने के बाद हम लोग गाजियाबाद क्रॉस कर चुके हैं, और अभी बहुत तेज भूख लगी है। अभी हम लोग नीचे उतरे हैं और बड़ी तेज भूख लग रही थी, तो हमने सोचा चलो रास्ते से कुछ चिप्स वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि खाना तो हम थोड़ी आगे जाके ही खाएंगे। और बाहर निकले तो निकल के पता लग रहा है यहाँ पे बहुत तेज ठंड हो रही है। गाड़ी में जब तक बैठे हुए थे तब तक बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, और गाड़ी से निकल के तो बाहर इतनी तेज़ ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि एकदम दांत बजने वाली फील आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आ चुके हैं झिलमिल। जब हम लोग दिल्ली से अपने घर से चलते हैं तो हरिद्वार से बिल्कुल मिड पॉइंट ये पड़ता है, और ये बहुत अच्छा है। हम अक्सर आते हैं, यहीं पर ही रुकते हैं, खाना भी ये बहुत टेस्टी बनाता है। खैर, हमारा काम हो गया आना, पहले तो हम लोग हर महीने एक चक्कर हरिद्वार का लगा ही लेते थे, तो हम यहीं पर ही रुकते थे। तो हम लोग आ चुके हैं झिलमिल रेस्टोरेंट, यहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे, बहुत तेज भूख लगी हुई है। खाना खा लिया अब हम लोगों ने, और अब हम लोग निकल रहे हैं आगे हरिद्वार के लिए। खाना सही सीरियसली बहुत अच्छा था, और खाना खा के मज़ा भी आया, हम दोनों फुल हो चुके हैं, इसलिए यही रीज़न है कि हम जब भी आते हैं ना यहीं पर ही रुकते हैं। खाना भी बहुत अच्छा होता है, सेटिस्फेक्शन भी होती है, और पेट भी अच्छे से भर जाता है। अब हम लोग आगे के लिए निकल रहे हैं, और अब हम सीधा जाके रुकेंगे हरिद्वार। तो रात के बज चुके हैं 2, और हम लोग पहुँच चुके हैं हरिद्वार, और अभी हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, लाइक 2 घंटे करीब, 1.5 या 2 घंटे, और उसके बाद फिर हम लोग सुबह 4 बजे नहा के, और 5 बजे यहाँ पे गंगा मैया की आरती होती है, आरती लेंगे। और ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, कार में हमने टेम्परेचर देखा था तो वो 7 डिग्री दिखा रहा था, वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। कार में तो कुछ भी पता नहीं लग रहा था, हीटर चला रखा था, बाहर निकले तो बहुत ठंड है। अभी से ही सोच सोच के डर सा लग रहा है कि सुबह कैसे नहाएंगे, इतनी ज़्यादा ठंड है, बाहर बहुत तेज ठंडी हवा भी चल रही है, पानी गंगा का वैसे ही इतना ठंडा होता है, इवन गर्मियों में कपकपी छूटने लगती है, तो वैसे भी ठंड का टाइम है। चलो देखो सुबह कैसे नहाया जाएगा। वैसे मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30, हम लोग लेट हो गए हैं आरती के लिए। हम सो गए थे तो पता ही नहीं लगा कि 6:30 कब बज गए। अब हम लोग नहाने के लिए जा रहे हैं घाट पे, वहाँ चल के फिर पहले गंगा मैया को प्रणाम करेंगे, उसके बाद नहाएंगे। और बहुत तेज़ ठंड हो रही है, वो आपको लग ही रहा होगा मेरी आवाज़ से, शायद 3-4 डिग्री टेम्परेचर है, और ऊपर से हवा चल रही है ठंडी ठंडी। हम तो ये सोच सोच के घबरा रहे हैं कि नहाएंगे कैसे, एक तो इतनी ठंड, ऊपर से बर्फ जैसा पानी। चलो फिर भी अब आए हैं तो नहाएंगे ही। जय माता दी। यहाँ पे रास्ते में थोड़ी सी आग जल रही थी, तो हमने सोचा आग के पास खड़े हो जाए, थोड़ा नॉर्मल लगेगा, तो हटा देगी फिर। लेकिन दीपांशु कह रहे कि चल भाई चल, आग पे खड़ा होगा तो और ठंड लगेगी।
गाइस अब हम लोग आ चुके हैं घाट के ऊपर। बड़ी हिम्मत करने के बाद हमने नहाने का सोच ही लिया है। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, ऑल दो हमने सिर्फ पैर डाल के चेक किया है, अभी हम पानी में घुसे नहीं है, लेकिन ठंड भी बहुत है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। फाइनली अब हम नहाने जा ही रहे हैं। जय गंगा मैया की। और पानी बहुत ठंडा है और सुबह का टाइम है, 7:30 बज रहे हैं। मैं इसे कह रहा था कि धूप निकलने के बाद नहाएंगे, ये माना नहीं। ना ना ना, ये कुछ और गहराई इससे ज्यादा नहीं है यहाँ पे। ये देखो बतख मजे ले रही है यहाँ पर गंगा के, हमें लग रही है ठंड। Thank you.